subscribe and click on the bell icon to be the first to see the latest video. यार गीतू की शादी में बहुत मजा आने वाला है. I'm really looking forward to it. Me too, भाई. पर मुझे एक बात समझ में नहीं आई. तूने मामा को कन्विंस कैसे किया कि तू हमारे साथ आके रुकेगा? वो तो हमें कह रहे थे कि तुम दोनों भी होटल में आके रुको, हम सबके साथ सारे फंक्शंस अटेंड करो. कन्विंस कहाँ किया? मैं तो वहाँ से कट के आया हूँ. अरे भैया, अगर मैं वहाँ रुक जाता ना तो सब मेरे कान खा जाते हैं पूछ पूछ के कि शादी कब कर रहा है, शादी कब कर रहा है, शादी कब कर रहा है, शादी कब कर रहा है. वैसे तू शादी कर कब रहा है? अरे तुमसे इसकी खुशी देखी नहीं जा रही है क्या? इतनी खुशहाल जिंदगी बिता रहा है. लेट हिम एंजॉय हिज लाइफ. Why do you want to tie him down? Oh, तो तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम खुशहाल नहीं हो just because you're married. अरे मैं अपनी बात थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ. ये मुझे समझ नहीं आता ये perception. Just because एक आदमी की शादी हो गई है वो दुखी है? ये बेचारे bachelors डर जाते हैं. डरता नहीं हूँ मैं शादी करने को तैयार हूँ, बस लड़की तो मिले. लड़की मिल जाए. उस लड़की का क्या हुआ जिससे हमें मिलाया था? Oh, you mean श्रद्धा? नहीं, we broke up. क्यों? She was such a nice girl. And you guys looked so good together. क्या हो गया? हाँ वो तो है, but we had some issues. क्यों? मासी को पसंद नहीं थी? नहीं नहीं, मम्मी को तो वो बहुत पसंद थी. In fact उसको मम्मी भी पसंद थी. वो दोनों तो मेरे against team up हो जाते थे. अच्छा, इसलिए तूने उसका पत्ता काट दिया. Very smart. हाँ? I mean divide and rule? नहीं, भाभी वो हमारे बीच में फंडामेंटल इश्यूज थे, यू नो, डिफरेंसेस. लाइक आपको पता है कि मैं सुपर हीरो फैन हूँ, हाँ, इनफैक्ट फैनेटिक हूँ. लेकिन उसे आयरन मैन ही नहीं पता था. मुझे इन्फिनिटी वॉर देखनी थी और उसे वीकेंड का वार. तो अकेले देख लेता. साल में वैसे भी 4 सुपर हीरो मूवीज तो आती है. तो मैं शादी भी खुद अकेले से कर लेता ना. इट्स नॉट अबाउट दैट, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल बॉन्डिंग, कंपैटिबिलिटी, यू नो. तो श्रद्धा से ब्रेकअप के बाद मतलब तेरा जीवन सूना ही है? नहीं, अब उसके बाद आई मेट पूजा. टेल अस अबाउट हर. वी ब्रोक अप. व्हाट? अब क्या फंडामेंटल इश्यूज थे? ट्रस्ट इश्यूज. ओह, यू मीन पूजा और कोई दूजा? नहीं नहीं, वो सब नहीं था. यू नो, हम जब भी बाहर जाते थे ना वो खाना नहीं ऑर्डर करती थी. अरे तो ये तो अच्छी बात है ना, तेरे पैसे बच जाते होंगे. पैसे नहीं, भूख बच जाती थी. अभी वो मेरा खाना खा जाती थी. अरे अगर तुझे ये पता चल गया तो तू पहले से 2 डिश ऑर्डर कर लेता ना अपने लिए. बात 2 ऑर्डर की नहीं है, बात ये है कि जिस लड़की को ये नहीं पता कि उसे भूख लगी है या नहीं लगी है, उसे ये कैसे पता कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है? हाउ कैन आई ट्रस्ट हर? इट्स अबाउट ट्रस्ट, राइट? एंड ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ अ हैप्पी एंड हेल्दी रिलेशनशिप. मेरा तुम्हें पता है इसका प्रॉब्लम क्या है? ये छोटी छोटी बातों का ना बहुत ही बड़ा इशू बना लेता है. एक बार कॉलेज में इसने लड़की से इसलिए ब्रेकअप कर लिया क्योंकि वो फ्रेंच फ्राइज पर केचप डालकर खाती थी. कैन यू इमेजिन? तो भाभी वो फ्रेंच फ्राइज को केचप में डिप करके नहीं खाती थी, वो उसका आलू रस्सा बना के खाती थी. इमेजिन आपके क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज ऐसे गील गीले से हो जाते थे, सॉगी से हो जाते थे, आपके हाथों में टमाटो केचप लगा रहता था और उसकी डिस्गस्टिंग सी स्मेल आती थी. देख, ऐसे तो तुझे कोई लड़की नहीं मिलेगी. सी, यू हैव टू बी अ लिटिल फ्लेक्सिबल. आई कांट कॉम्प्रोमाइज, ये मेरी लाइफ का सवाल है. अरे इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कहते हैं, एडजस्टमेंट कहते हैं. हर रिलेशनशिप में इंसान को एडजस्ट करना पड़ता है. तुझे क्या लगता है कि मुझे और मीरा को एडजस्ट नहीं करना पड़ता? हमारे बीच में भी प्रॉब्लम्स हैं यार. मीरा को मुझसे प्रॉब्लम्स होंगी, मुझे मीरा से प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वी डोंट मेक इट एन इशू बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. हाँ, कौन से प्रॉब्लम्स? मुझे तो तुमसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है. तुम कौन से प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे हो? तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम्स है, टेल मी. अरे मेरा मतलब है कि प्रॉब्लम्स हैं लेकिन उससे प्रॉब्लम नहीं है. तुम समझ रही हो मैं क्या कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल नहीं समझ रही हूँ. प्लीज एक्सप्लेन इट टू मी. क्या प्रॉब्लम्स है तुम्हें? मुझे तो पता ही नहीं थी ये बात. हाँ, गिव एन एग्जांपल. फॉर एग्जांपल, तुम टूथपेस्ट में ना ऊपर से प्रेस करके टूथपेस्ट निकाल लेती हो और मैं ना रोज नीचे से प्रेस करके उसको ऊपर के लेवल तक लेकर आता हूँ एंड अगले दिन फिर से तुम वही करती हो, तो मेरे लिए ना थोड़ा सा अनॉइंग हो जाता है. बट इट्स ओके, आई हैव लर्न टू लिव विद इट एंड आई एम परफेक्टली फाइन विद इट बिकॉज इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. एग्जैक्टली, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट.
आई मीन हु केयर्स, ऊपर से यूज करो नीचे से यूज करो क्या फर्क पड़ता है? वही तो मैं इसको समझा रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। नहीं पर फिलहाल मुझे फर्क पड़ रहा है। यू सेड यू हैव प्रॉब्लम्स, तो मुझे बाकी प्रॉब्लम्स भी बताओ ना। आई रियली वांट टू नो नाउ। इस वक्त मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है और आई थिंक हमें खाना खाना चाहिए। करेक्ट, मुझे भी। सेव्ड बाय द बेली, बट वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर। अच्छा भैया भाभी, आई एम अ लिटिल टायर्ड सो आई एक्सक्यूज माय सेल्फ। ऑफ कोर्स, कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। I didn't know तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम्स हैं। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्वीटहार्ट। अभी अभी तो कह रहे थे तुम कि मेरी टूथपेस्ट वाली आदत तुम्हें बड़ी अनोइंग लगती है। ऑल यू हैड टू डू वाज जस्ट टेल मी। अब कल से मैं ध्यान रखूंगी दैट आई डोंट डू दैट सो दैट इट डजंट बॉदर यू। सिंपल। मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई हैड टू यूज द वर्ड प्रॉब्लम सो दैट ही अंडरस्टैंड्स दैट इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। ओह वेल दैट्स अ रिलीफ। मैं भी यही सोच रही थी बिकॉज़ हमारी रिलेशनशिप इन सब छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी ऊपर है। यू नो वी हैव एन इवॉल्व रिलेशनशिप, वी हैव एन अंडरस्टैंडिंग। या एंड दैट्स व्हाई वी आर हैप्पी टुगेदर। पर ये अविनाश का फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि उसको हर छोटी छोटी चीज़ फंडामेंटल प्रॉब्लम लगती है। वो तो है। अब उसे कैसे समझाए और कौन समझाए, क्योंकि ऐसे तो वो किसी के साथ खुश नहीं रह पाएगा। शादी भी कर लेगा पर सेटल नहीं हो पाएगा। चलो अभी दो दिन है यहाँ पर, लेट्स सी क्या कर सकते हैं। भाई मेरे ऑमलेट का क्या हुआ? कमिंग कमिंग, एक मिनट बस, एक मिनट हो गया। यू गोना लव इट एंड योर ऑमलेट इज रेडी, एंजॉय। थैंक यू। तुम्हें काम करो, यहीं रुक जाओ हमारे साथ और रोज ऐसे ही हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया करो। योर विश इज माय कमांड। ये क्या है? क्या मेरे ऑमलेट में टमाटर? आई नो कि आप ऑमलेट में टमाटर नहीं खाते हैं, तो मैंने डाला ही नहीं है। ये क्या है? वो एक पीस गलती से आ गया होगा, उसको हटा दो ना। एंजॉय द रेस्ट ऑफ द ऑमलेट। अच्छा ये देख, वन मोर। तू मुझे एक बोल रहा है, मैंने तेरे सामने तीन पीस निकाल के रख दिए। हाउ डू आई ट्रस्ट यू? ट्रस्ट भैया, वो मेरे और भाभी के ऑमलेट में टमाटर है और वो मैं सेम कटोरी में बीट कर रहा था तो वो गलती से रह गया होगा। अच्छा यू डोंट वरी, मैं दूसरा बना दूँ। नहीं नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम लोग अपना ऑमलेट एंजॉय करो, मैं ब्रेड बटर खा लूँगा। ब्रेड बटर? भैया आप इतनी सी बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना रहे हैं? मैं इशू बना रहा हूँ? मैं तो वही कर रहा हूँ जो तू करता है। मैं नेटपिकिंग मतलब? ओके, थिंक ऑफ दिस ऑमलेट एज योर गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? और जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तुझे बॉदर करती है ना अपने रिलेशनशिप में, वो ये छोटे छोटे टमाटर के टुकड़े हैं। अब जैसे तू मुझे बोल रहा है कि आप टमाटर के टुकड़े निकाल कर साइड में रख दो और ऑमलेट एंजॉय करो, वैसे ही तुझे उन छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को साइड में निकाल के रख देना चाहिए और अपनी रिलेशनशिप को एंजॉय करना चाहिए। अविनाश समझ में आ रहा है भैया क्या कह रहे हैं? आई थिंक आई गेट इट भाभी। रिलेशनशिप्स आर लाइक ऑमलेट्स, किसी को प्याज पसंद नहीं है, किसी को मिर्ची और किसी को टमाटर। तो की इज कि जो चीज़ पसंद नहीं है उसे हटा दो एंड एंजॉय द रेस्ट ऑफ द ऑमलेट, राइट? लेकिन सवाल यह है कि कॉल किसको करूं, श्रद्धा को या पूजा को? कम टमाटर किसमें है? और एक बात याद रखना भाई, ऑमलेट समझकर गर्लफ्रेंड को निगल मत जाना। भैया यार कितने बजे जाना है? Hi guys! I hope you like today's episode and if you like then share and subscribe to Shitty Ideas Trending. Yeah, लेकिन fundamental issue तो ये है कि आप लोग subscribe नहीं कर रहे हैं। What is this behavior, Pooja? I have subscribed. लेकिन you are right, it is actually a very big problem और इसकी वजह से हमारे बीच trust issues हो सकते हैं आगे जाकर। So please subscribe and do not forget to click on the bell icon so you know when we upload the episodes.
एंड यस, कमेंट सेक्शन में हमको ये लिखकर बताइए कि कभी आपने किसी छोटी सी टुच्ची सी चीज की वजह से अपना ब्रेकअप किया है। प्लीज डू टेल अस इन द कमेंट्स बिलो एंड वी विल सी यू वेरी वेरी सून। बाय बाय। तुमने किया टुच्ची? व्हाट इज टुच्ची? टुच्ची इज यू नो इट इज ओनली यू कैन से स्टफ लाइक टुच्ची। टुच्ची इज पूजा। यार ऐसे कैसे बोल सकता है तू? सब कट हो गया? नहीं कट नहीं है, अभी तक चल रहा है। व्हाट इज दिस बिहेवियर पूजा? चुच्ची लुच्ची, जैसे वो गिल गिले था वैसे चुच्ची लुच्ची होता है। हर इंसान को अपनी लाइफ में एडजस्ट करना पड़ता है यार। मेरे को और मीरा को सॉरी। क्या हो रहा है? तो मतलब तुम खुशहाल जिंदगी नहीं जी रहे? तुम खुशहाल जिंदगी नहीं जी रहे क्योंकि तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम दुखी हो? तुम खुशहाल नहीं? Exactly. It's not important. मैं डरता नहीं, डरता नहीं हूँ मैं, डरता नहीं हूँ मैं शादी करने को तैयार हूँ। Oh, you mean Shraddha? मम्मी को वो तो बहुत पसंद थी। सॉरी मुझे। मम्मी को तो बहुत पसंद थी। हाँ, पैसे नहीं भूख बच जाती थी। पैसे नहीं भूख बच जाती थी। मेरे ऑमलेट में टमाटर? मेरे ऑमलेट में टमाटर? मेरे ऑमलेट में टमाटर? बटर से ही मेरे को बता रही है। अरे भैया वो एक पीस गलती से आ गया होगा। इग्नोर इट। हटा दो, बोल देता हूँ, भूल जाओ। ऑमलेट में टमाटर था तो वो सेफ। क्या हुआ? पैक अप।